हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो ये है शेरोले क्रूज। जैसे कि आप पार्ट नंबर देख रहे हो 180 नंबर। इस पंप में क्या हो रहा है, हमने मशीन पे चेक किया, उसमें प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बना रहा है। गाड़ी WD-40 स्प्रे सुंघाने पे गाड़ी स्टार्ट होती है। हमने पंप को डिसमेंटल कर दिया है, करने के बाद हमें फॉल्ट मिला, यहाँ पे मिला हुआ है। अभी हम आपको बताते हैं। ये इसका 3 प्लंजर है, एक्चुअली प्लंजर ही ज़्यादा फेल होते हैं। हमने प्लंजर निकाला, प्लंजर इसके अंदर छोटी सी बॉल होती है जिसके हम आपको बता रहे हैं, स्टील वाली बॉल जो कट गई है। इसके अंदर शीट होता है, शीट मेन शीट कट गई है। हमने क्या सोचा, सर्विस किट डाल के बॉल वगैरह रिप्लेस करके बना देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना चलेगा वो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। शीट कटी हुई है ना, तो बॉल रिप्लेस करके कोई मतलब नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि हम प्लंजर को रिप्लेस कर देंगे, लॉन्ग लाइफ बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। तो अभी हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये सब जैसे कि आप देख रहे हो, ये है इसका पंप का स्विच। जैसे कि आपको नंबर दिखता होगा 669, मेट्रिक वॉल का नंबर है इसका। ये है इसका ड्राई शाफ्ट, इसका सपोर्टिंग प्लेट, सिंगल ऑयल सेल आती है इसमें। अभी हम सारे पार्ट को अच्छी तरह से साफ सफाई करके फिट करेंगे, सर्विस किट वगैरह डाल के पूरा रिंग विंग ऑयल सेल सेल मार विर के इसे फिट करेंगे। फिर हम बताते हैं क्या प्रेशर आता है इसमें, ठीक है। हम मिलते हैं टेस्ट बेंच पे फिट करने के बाद। जैसे कि देख रहे हो, हमने पंप को मशीन पे पूरा सेट कर लिया है। मीटरिंग वॉल पे करंट देना पड़ता है, मेन और रिटर्न हो गया, और ये पाइप जा रहा है सीधा रेल पे, ठीक है। स्विच में करंट देंगे तो ही डिलीवरी बाहर आएगी, ये ध्यान दे। और प्रेशर होगा 2 kg के आसपास, इसको प्रेशर देना है मोटर से। ये हमारा मशीन भी ऑन है, जैसे कि आप देख रहे हो। अभी हमारा पंप भी प्रेशर बनाना शुरू हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ पर मेन और रिटर्न भी फ्लो हो रहा है हमारा। हम मशीन को 100 RPM पर रखे हुए हैं, एक स्ट्रोक पे हम इसका डिलीवरी अभी लेंगे, कितना डिलीवरी पंप दे रहा है प्रेशर देने के बाद। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप प्रेशर डिलीवरी के लिए बताते हो। इसमें जैसे देख रहे हो 1550 आ रहा है, यानी पंप परफेक्ट है। 50 के नीचे होगा तो पंप फेल होगा, ठीक है। और पंप चेक करने के टाइम देखना कहीं से लीक वगैरह ना हो, क्योंकि गाड़ी में कोई एक भी जगह नहीं मिलेगी आपको लीक बंद करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने मशीन पर चेक करके बता दिया कि इसमें डिलीवरी कितना रखना है, ठीक है। ये इसका पुराना प्लंजर है, इसमें हमने नया डाल दिया है। ये सब 3 प्लंजर होता है, नया डाल दिया हमने। बहुत भाइयों ने कमेंट करके बताया कि इसमें पंप में डिलीवरी कितना रखना है, तो हमने आपको बता दिया 1550 के आसपास इसमें डिलीवरी आता है। ये इसका मेन पाइप है, यहाँ से मेन डिलीवरी और ये रिटर्न है। अगर पहले पाइप में आप मेन इनपुट कर रहे हो, डिलीवरी प्रेशर दे रहे हो, तो करंट दोगे तो यहाँ से डीजल फ्लो होगा, निकलेगा, ठीक है। यही सब है, इस तरह जिस सब बताया मैं उसी तरह प्रेशर चेक करना है आपको। और बहुत टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ कि काम का लोड बहुत ज़्यादा हो गया है। आज टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, तो चैनल को ग्रो होने में थोड़ा कुछ मिलेगा, मदद मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह प्यार देते रहिए चैनल पर। तो
कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।